न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेंधवा से आ रही है जहां गांजे की बड़ी खेती पकड़ाई है। आपको बता दें, वरला थाना अंतर्गत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेंधवा SDOP कुंदन सिंह मंडलोई ने किया है। बता दें कि लगभग 416 पौधे जिनका वजन 2 क्विंटल 20 किलो है, इसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने गांजे की खेती दुधखेड़ा के रावत फलिया में पकड़ी है जहां तुअर और कपास की फसल के बीच गांजे की खेती की गई थी। बता दें, गांजे की खेती करने वाले राम पिता कहारिया बारेला उम्र 48 वर्ष निवासी रावत फलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जैसे आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में श्री मान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूरे जिले में कहीं भी इस प्रकार के मादक पदार्थों का क्रय विक्रय संग्रहण नहीं हो पाए। इसी तारतम्य में थाना वरला के द्वारा ग्राम दूधखेड़ा के रावत फालिया में मुखबिर से प्राप्त सूचना के अनुसार दबिश दी गई, जहां पर कपास के और तुअर के खेत के बीच में कुछ कुछ दूरी पर गांजे के पौधे लगाए पाए गए, जिन्हें सफलतापूर्वक कार्यवाही करते हुए उखाड़ा गया। उखाड़ के विधिवत जब्ती की गई और इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सर, कितना गांजा है? सर देखिए, इसमें कुल अगर हम बात करें तो 219 किलो के आसपास गांजा हो रहा है और 417 पौधे हैं। कितनी लागत सर? क्या कीमत? इसकी कीमत करीब 10.5 लाख के आसपास की बैठती है। आरोपी सर, आरोपी इसमें एक खेत में आरोपी श्रीराम पिता कहारिया है जो मिल गया है। इसके अलावा दो अलग अलग खेत के जो खेत मालिक हैं, एक है भागचंद पिता नानसिंह और एक है दूना पिता राला बारेला, ये उस समय खेत में मौजूद नहीं थे। इनकी धरपकड़ की जा रही है, जैसे ही पकड़े जाएंगे आपको पता चलेगा। सर, क्या मांग?